लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेटे रणवीर, जा अपने बाबूजी को बुला के ला। विक्रम चाचा के वहाँ होंगे, कहना रोटी तैयार है। वीरा, मेरी बात मान ले, ठीक से सोच ले। बंबई इतना बड़ा शहर है और वहाँ तू अकेला। तू भी विक्रम कैसी बातें करता है? इतने दिनों बाद तो मेरा सपना पूरा होने जा रहा है और तू सोचने की बातें करता है। बंबई बड़ा शहर है, इसीलिए तो जा रहा हूँ, क्योंकि वही है मेरा सब कुछ। तेरी बात ठीक है वीर सिंह, लेकिन मैं क्या लेकिन विकिन लगा रखी है। करतार को देख, आज बंबई में 10 टैक्सियां चल रही हैं उसकी। क्या लेकर गया था वो यहाँ से? और अपना हरपाल, बंबई की सबसे बड़ी कपड़ों की दुकान है उसकी। ये अग्रवाल अभी तो भाग कर गया था और आज देख। तेरी बात सही है, मैं तुझसे बहस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ कि वो किस्मत वाले बंदे हैं। सिर्फ किस्मत से क्या होता है विक्रम, मेहनत भी जरूरी है। तू मुझे जानता है, मैं मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, मुझे मिलेगा जो मुझे चाहिए। वो बंबई मुझे देगी, जरूर देगी। रब तेरा हौसला बनाए रखे। तेरी जमीन मैं अपने पास रख रहा हूँ, लेकिन अमानत के तौर पर। ये जमीन तेरी है और हमेशा तेरी रहेगी। ये जमीन है रह गुजर तेरे मेरे वास्ते, ये जमीन है रह गुजर तेरे मेरे वास्ते, हर घड़ी है एक सफर तेरे मेरे वास्ते। नई मंजिलों को चले नए रास्ते, ये जमीन है रह गुजर तेरे मेरे वास्ते।
नजर तेरे मेरे वास्ते। लास्ट स्टेज का कैंसर है। कैंसर है तो क्या हुआ? इतने बड़े डॉक्टर हैं आप, मेरी किरण को ठीक नहीं कर सकते? किस बात के डॉक्टर हैं आप? मैं कुछ नहीं जानता, आप जो दवाई कहेंगे मैं लाऊंगा, जितने पैसे कहेंगे मैं लगाऊंगा, लेकिन मेरी किरण तो ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर? मेरी किरण को ठीक होना ही होगा डॉक्टर। देखो रणवीर बेटे, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, और जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाती, रॉकी का ख्याल तुम रखोगे। तुम्हारे पापा जी को बहुत काम करना पड़ता है ना, इसलिए रॉकी को तुम संभालना, उसे बहुत प्यार देना, उसे कभी मारना मत, वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसे हर खुशी देना। दोगे ना बेटे उसे हर खुशी? उसे हर खुशी दोगे ना? हाँ माँ, मैं उसे हर खुशी दूंगा। माँ, मैं तुम्हारे पास सो जाऊं? घर में मुझे ठीक से नींद नहीं आती, पापा जी तुम्हारी तरह मुझे लोरी नहीं सुना पाते, तुम सुनाओ ना। सुनाती हूँ बेटे, अभी सुनाती हूँ। आ जा री निंदिया, बेटे को सुला जा, आ जा री निंदिया, जल्दी से आ, आ जा री निंदिया, बेटे को सुला जा, आ जा री निंदिया, जल्दी से आ। जाने क्यों ये हुआ, क्यों चली ये हवा, बुझ गए हर खुशी के दिए, कैसी रुत आई है, साथ जो लाई है, इतने गम मेरे दिल के लिए, ये गर्म आंसू कोई कैसे पिए, ये जमी है रह गुजर तेरे मेरे वास्ते, हर घड़ी है एक सफर तेरे मेरे वास्ते।
राजवीर। He did it, man. राजवीर, you okay? क्या टेस्टी यार। ओ बल्ले बल्ले राजवीर, तुम्हें तो कमाल करती यार। वाह। यार कमाल। That was stupid. What stupid? राजवीर ने कमाल कर दिया यार। अरे राजवीर is the best यार। राजवीर, why did you go so far? हमारे हिल्टन ग्रुप के ऑफर के बारे में आपने क्या सोचा मिस्टर रणवीर? मिस्टर बंगारापा, थैंक्स फॉर द ऑफर, लेकिन मैं किरण इंटरकॉन्टिनेंटल के साथ किसी और का नाम नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि इसके साथ मेरी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं। आई एम सॉरी। मैं फिर भी चाहूंगा हमारी ऑफर पे गौर करें। आवर ग्रुप विल बी रियली प्लीज टू हैव यू विद अस। एनीवे, थैंक्स फॉर द ऑफर, बाय। अरे भाई, आप लोगों का काम खत्म हो जाएगा कल तक? जी साहब। ये टीवी क्यों लेके जा रहे हैं आप लोग? सर, हम टेक्नोट्रॉनिक्स आए हुए हैं, ये सारा लॉट डिफेक्टिव है, इसलिए हम इन्हें वापस ले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन नए टीवी आ गए? नहीं सर, ट्रक अभी पहुंचता ही होगा। हेलो टेक्नोट्रॉनिक्स। यस। आई एम रणवीर सिंह फ्रॉम किरण इंटरकॉन्टिनेंटल स्पीकिंग। यस सर। भैया, आप लोग जानते हैं कल मेरे होटल की इनॉग्रेशन है और एन वक्त पर आप लोग टीवी वापस ले जा रहे हैं, जबकि आपने नए टीवी भेजे भी नहीं। क्या आप लोग भेजने से पहले टेस्ट नहीं करते? ये आप क्या कह रहे सर? आर टीवी सब परफेक्ट है, ऑल राइट। हमने तो किसी को भी नहीं भेजा। क्या? यस सर। शीना हियर। सारा स्टाफ आपका इंतजार कर रहा है। आप होटल कितनी देर में पहुंच रहे हैं? मैं होटल से ही बोल रहा हूं। तुम सिक्योरिटी स्टाफ को लॉबी में लाइन अप करके रखो, मैं अभी ऊपर आया। वाओ, ये तो एकदम सरस छे, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल। मैडम, खाने की चीज में ब्यूटी से जास्ती इम्पोर्टेंट टेस्ट होता। टेस्टी है कि नहीं? बहुत टेस्टी है पद्दू, बहुत। तुम्हारे हाथों में जादू छे, बॉस खाएगा ना तो खुश हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच गीताबेन। गीताबेन नहीं हो, मुझे सिर्फ मिस गीता पटेल कहो ना। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। द फूड एंड बेवरेज अरेंजमेंट्स फॉर टुमारोज इनॉग्रेशन हैज बीन टेकन केयर ऑफ। आई विल सी इट लेटर। सर, ये पद ने इडली बनाया, जरा टेस्ट करिए सर। आप टेस्ट कर लीजिए। सर, मैडम ने टेस्ट किया, इनको बहुत अच्छा लगा सर। सर, आप टेस्ट करके बताइए कैसा। सर, हम बहुत मेहनत किया, हम साउथ का स्पेशल मसाला के साथ साथ अपना लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस इसमें डाला सर। सर प्लीज, एक मिनट लगेगा सर। मेरे पास एक मिनट भी नहीं है इस वक्त। सर प्लीज, आप टेस्ट नहीं करेगा तो हमारा दिल। अरे खाना, मेरे पास एक मिनट भी नहीं है। What the hell, don't you understand? गुड इवनिंग सर, मैंने सारे सिक्योरिटी स्टाफ को बुला लिया है। एनीथिंग सीरियस सर? व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? विल यू जस्ट शट अप। अटेंशन, मिस्टर चौबल, यू आर द चीफ ऑफ सिक्योरिटी ऑफ दिस होटल, दैट्स राइट? यस सर। आपको मालूम है इस होटल में क्या हो रहा है? सर, कुछ लोग इस होटल के सारे टीवी चुरा कर लेके जा रहे थे। चुरा कर लेके जा रहे थे? लेकिन सर, उन्होंने तो कहा था कि टेक्नोट्रॉनिक्स आए हैं और उनके पास चालान भी था। उन्होंने कहा और आपने मान लिया? आपने क्रॉस चेक किया कि वो लोग सही थे या नहीं? चालान सही था या नहीं? और फिर गेट पर ड्यूटी ऑफिसर क्यों नहीं था? क्या यही तरीका आपका ड्यूटी निभाने का? आई एम सॉरी सर। आप सब लोग ध्यान से सुनिए, हमारे परिवार के लिए होटल नहीं एक सपना है, जिसे हम लोगों ने कई सालों की मेहनत से हासिल किया है। आई विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ इनकॉम्पिटेंस, डू यू अंडरस्टैंड दैट? This is your first and last warning. कल इस होटल की इनॉग्रेशन है और उस वक्त मैं किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं देखना चाहता। Is that clear? Yes, sir. You can disperse now. Sheena,
देखना कल स्टाफ यहाँ पूरे 9 बजे पहुंच जाए। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। शीना, इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल? शीना। यस मिस्टर सिंह। आई एम सॉरी शीना, कम हियर। Now, isn't that beautiful? Huh? Yes, sir. It's very pretty. Who's done that? Paddu. Nahi. Hamara insult karo. Okay. Lekin hamara Italy ka insult kiya. Hum naukri chhod ke jata. Are Paddu, dekho hamara boss bahut acha aadmi hai. Aiyo, kya kha ke chaya tumhe? Ek minute ka waqt nahi uske paas. Are Paddu, suno meri baat. Dekho, suno. मैं समझाती हूँ बॉस को, ये सब कल की इनॉग्रेशन का टेंशन है ना। देखो तुम्हारी इडली जो है ना, हम सब गेस्ट को कल खिलाएंगे, ठीक है? नहीं 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 नहीं, हम डिसाइड किया, हम नौकरी छोड़ के जाता। ओह गॉड, सुकरीज सांभलो पद्दू। सर सर, हमको आपसे कुछ बोलने का। पद्दू, उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुमने ये जो रंगोली बनाई है वाकई बहुत खूबसूरत है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। तुम एक अच्छे शेफ ही नहीं बल्कि एक अच्छे आर्टिस्ट भी हो। यू आर रियली गुड। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आप बहुत अच्छी आदमी। अच्छा तो आप क्या कहना चाहते थे? आप कुछ नहीं सर। नहीं सर, हम गलत सर, आप बहुत अच्छी आदमी। शीना, इज यू राइट? ऑफ कोर्स सर। सर द लाइट्स आर रेडी टू बी स्विच्ड ऑन। ओ टेल देम टू होल्ड इट। गीता एंड कैन आई बॉरो योर वॉकी टॉकी? थैंक्स। बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आना। अभी से। अले, आजा, आजा मेरे वीरा, आजा। ओए तभी मैं कहूँ कि तू इतना पहचाना सा क्यों लग रहा सी? ओए छप्पी दे दे, पप्पी पाले। लेकिन आप हैं कौन? ओए मैंनू नहीं पहचाना? नहीं। मैं तेरा मामा। गर्मा मामा? ओए वो तो तेरी माँ का सगा भाई है। तो आप कौन है? मैं? हाँ? मैं तेरी माँ की सलज के बुआ के दामाद का ममेरा भाई हूँ। ओए उनका जो भी हुआ, मगर तेरा तो मामा ही हुआ ना सीधे सीधे। ओ पप्पी पाले मामनू। चेन? ओ चेन तो मैं लगा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी, फिक्र मत कर। ओ यहाँ बड़ी चोरियां शोरियां होती हैं। हाँ बीजी, ये हैं कौन? अरे तेरी माँ का कोई दूर का रिश्तेदार है, इसलिए तेरे पापा को इससे कुछ ज्यादा ही लगाव है। पर मेरा पुत्र तुम उससे पहले ही सठिया गया। मैं कहती हूँ कि बंबई की चिड़ियाघर में कोई लंगूरों की कमी थी जो इस बंदर को लाके हमारे घर में। ओए तुझे जानकर बड़ी खुशी होगी कि अब मैं यहीं रहूंगा तुम लोगों के साथ। अब तू पूछेगा कि इसके पहले मैं कहाँ था, तो जवाब ये होगा। अरे जोगिंदर, तेरी गाड़ी तो किसी सिग्नल पर रुकती नहीं। थका मांदा आया है, खाने पीने तो दे बच्चे को। कौन करती हो बीजी, ये भी कोई खाने का वक्त है? देखो अभी तक तो शाम भी नहीं हुई है। 9:30 बज चुके हैं, यहाँ पर रात के 10-10 बजे तक चहल पहल रहती है वैसे। अच्छा मामा जी, आप भूखे हैं, आप खा लीजिए। ओ कोई नहीं कोई नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं कल खा लूंगा ना, आप खा लीजिए।
अच्छा हाँ ठीक है। और बीजी मैं जियाजी के पास जाके बैठता हूँ। बीजी कब तक रहेंगे यहाँ पर? जब तक घर का सारा रेशन खत्म ना हो जाए। कल बुआ 2 घंटे में कॉर्नफ्लेक्स के 2 डब्बे खा गया बम्बई का स्पेशल चूड़ा समझकर। हेलो हाँ रोशन अंकल। हाँ अंकल हाँ सब ठीक ठाक है। हाँ हाँ कल की तैयारियाँ हो रही हैं। हाँ आंटी आ रही है ना आपके साथ? हाँ पापा को देता हूँ 1 मिनट। हाँ जी पापा। रोशन अंकल। हाँ रोशन तू जरा जल्दी आ जाना, गप्पे शप्पे हो जाएंगे इन दिनों बाद। हाँ बड़ा मुबारक दिन है मेरी जिंदगी का। अच्छा कल मिलते हैं। अपने जुगंदर मामा से मिला? हाँ जी पापा मिला। मिला। पैर वार छुए कि नहीं? हाँ जी छुए पापा। मामा मामा कहते लिपट गया मुझसे मेरा वीरा। अच्छा ये बता मेयर साहब को लाने कौन जा रहा है? पापा मेयर साहब अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं, आप बस गेट पर रहिए कल मेहमानों को रिसीव करने के लिए। चलो मेहमानों का सब हो गया, पर तेरे लाडले राखी का क्या हुआ? पापा उसका कॉलेज खुल रहा है मंडे को, ये उसका आखिरी वीकेंड है, वो आ जाएगा। तेरे लाड ने उसे बिगाड़ दिया है, देख लेना वो कल भी वक्त पर नहीं पहुंचेगा। God. What's the time? Why did I drink so much? My head's hurting. Oh shit, I'm late! Hey Denise, wake up, we're late! Come on, come on, come on, get up! Oh. Hey guys, come on, get up now! Hey Baba, come on, come on, get up! Hey Baba, come on, come on, get up! Come on, go late! Hello? Okay. हाँ भैया, on my way भैया। Okay, okay, I'll be there भैया। भैया, I'm there. Ladies and gentlemen, please. देखिए हमारे पंडित जी ने बताया है कि इनॉग्रेशन के लिए अच्छा मुहूर्त थोड़ी देर बाद का है, इसलिए आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि मेरे पापा श्री वीर सिंह जी आपसे कुछ बातें करें। पापा दोस्तों और पढ़ाओ, मैं आपको बता दूं कि किसी पंडित ने कुछ नहीं कहा। दरअसल बात यह है कि मेरा छोटा बेटा राजवीर हमेशा की तरह लेट है और मेरा बड़ा बेटा रणबीर हमेशा की तरह झूठ बोलकर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। औलाद हमेशा ये समझती है कि उनके माँ बाप अनजान हैं, कुछ नहीं समझते, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि हम उनके बाप लगते हैं। पापा, I'm sorry, पापा, come on, पापा, please, पापा, please. जीजाजी, जीजाजी मुझसे भी तो मिलवाओ। तेरे जुगिंदर मामा है, पैरी पैर। पैरी पहना मामा जी। जीविंदर है, जीविंदर है। दो दो। Try this doom luck, luck, doom, doom, luck, luck, doom, doom, luck, luck, boom, boom, luck, luck.
लंगड़े च मार के छड़म पर पैर रखे रॉकी, कहाँ था तू? कहीं नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। चल इधर चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ भैया? रॉकी,
पापा हमें यहाँ तक ले आए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर नई ऊंचाइयां छुएं, अपना बिजनेस फैलाएं। हर शहर में अपना एक होटल होना चाहिए, होटल की एक चेन होनी चाहिए, और ये मैं तभी कर सकता हूँ अगर तू मेरे साथ है। मैं हूँ ना भैया आपके साथ। और भैया इंडिया में क्यों, इंडिया के बाहर भी हमारे होटल होंगे, हर शहर में, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, एवरीवेयर। भैया समझो मैं नशे में हूँ, यहाँ पर तो वक्त पर नहीं पहुँचता। हाँ, और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बदमाश कहीं का नहीं। आई एम सीरियस भैया, हम सबको दिखा देंगे कि किरण ग्रुप ऑफ होटल्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं कल से आपके साथ काम पे आना शुरू कर देता हूँ। नहीं नहीं, तू पहले अपना कॉलेज खत्म कर, फिर मेरी मदद करना। इधर आ। This car is for you. This is for me? This is for me, भैया? It's so cool. I always wanted this, भैया. Thank you, Mia. Love you, Rocky. Love you. College opens today, Rocky. I don't want to go. भैया मुझे नहीं जाना। पढ़ाई तो करनी होगी ना Rocky? I think that's Rajveer, right? तेरी तो। नहीं, this is not the right. This is not the right method. Sorry. जो मुझको टोके कहूं मैं जो होगा वो रहेगा होके, नहीं रुकता हूं मैं किसी के रोके, मैं झोंका हवा का ठहरता कहां हूं, मैं पल में यहां हूं, मैं पल में Yeah.
जो मुझको टोके कहूं मैं जो होगा वो रहेगा होके नहीं रुकता हूं मैं किसी के रोके जिधर देखती हूं जहां देखती हूं फिजाएं नहीं है हवाएं नहीं राजवीर ये मेरे कजन है। अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों सारी लड़कियां मुझे तेरी कजन्स लगती हैं। वेरी फनी। देख मैं तुझे कह रहा हूं इससे दूर रह। अरे क्या बात कर रहा यार, मैं उसके पास हूं क्या? देख प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है हमेशा की तरह, इसने बोला ना दूर रह तो दूर रह, समझा? नहीं समझा, समझा? What's going on there? Rajveer Singh and Sameer Khanna, both of you better listen to me carefully. ये last year है तुम लोगों का, दो साल से tolerate कर रहा हूँ मैं, but now I need just one little chance. अब अगर कोई हरकत करी तुम लोगों ने कभी ग्रेजुएट नहीं बन पाओगे। आई विल रस्टिकेट यू ऑल, यू बेटर बिहेव योरसेल्फ, अंडरस्टैंड? कम ऑन, गेट बैक टू योर क्लासेस, मूव। निखिल, तुम लोग उस लड़के से इतना लड़ क्यों रहे थे? आखिर उसने ऐसा तो कुछ नहीं किया था। शालिनी, तुम इस कॉलेज में नई आई हो, यहाँ का सब कुछ जानने में जरा टाइम लगेगा तुम्हें। देखो बेटर ये है कि तुम इस लड़के से जरा दूर रहो, ओके? हाँ, और बाय द वे, मीट माय गैंग, समीर, हाय, शालिनी, हाय, माय कजन, फर्स्ट ईयर बीए, रिकी, हाय, हेलो, हाय, शी इज माय फ्रेंड निशा, हाय, वेलकम टू आवर कॉलेज एंड टू आवर ग्रुप। अगर यहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम हैं, एंड अगर कोई रैगिंग वैगिंग करे तो हमें बता, ओके? ओके, हम लोग चलते हैं। See you. Yeah. Bye. Bye. Okay. Bye. 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 निखिल, तेरी ये कजन तो प्योर मैजिक है। अबे, तो कजन किसकी है? शालिनी, उसे मत दे। वो कॉलेज के सबसे बिगड़े हुए लड़कों में से एक है। बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। अच्छा? लेकिन मुझे तो वो अच्छा लगा। He's so cute, yeah. He's so cute. पता नहीं इस कॉलेज में बेचारे की सब लोग बुराई क्यों करते रहते हैं। आई थिंक सब जलते हैं उससे। He's so handsome. Handsome होने का मतलब शराफत नहीं होती है, यही खूबसूरत चेहरे का वो फायदा उठाता है। मुस्कुरा कर लड़कियों को पटाता है, घुमाता है, फिराता है और मुस्कुरा कर छोड़ देता है, पलट कर भी नहीं देखता। अमीर बाप का बेटा जो है। अच्छा? He's rich also. I'm not talking to you. शालिनी, उसका पूरा ग्रुप ही ऐसा है, किसी को पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं,
डांस, ड्रिंक्स, डेटिंग, यही उनकी लाइफस्टाइल है। ग्रेट यार, क्या लाइफ है। अच्छा यही सब करने तू? ए, तू कॉलेज में यही सब करने आती है? You're so boring, प्रिया। ये सब कॉलेज में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ? This is the time to enjoy, यार। I mean, कॉलेज के बाद शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर तो क्या? ना बेटा, ना बेटी, यही तो करना है whole life. Let's have fun, yeah? What's your problem? तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? He's a womanizer. So what? I don't think so. Then go to hell. Priya! Hey! Boys, run, run, boss! ये लव वर्ड सबसे पहले किसने बोला होगा? हाँ शालिनी, Adam और Eve ने। तू चुप करना, कुछ आता नहीं, बीच में टपकती रहती है। अच्छा, तू दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी, शालिनी इसे बोल दे। दिल लगी, 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 दिल लगी। Hi, I'm Rajveer. Hi. अपना नाम नहीं बताओगी? शालिनी, अपना नाम नहीं बताओगी? शालिनी, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं शालिनी। और मेरी आंखों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है मिस्टर? तुम्हारी आंखें ऐसी हैं। Hey, don't mess with us. कितनी बार यही लाइन बोलेगा? जा कोई नई लाइन सीख करा जिसे मैं थोड़ा डर सकूं। चल जा। हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों से पैवेलियन में एकत्रित होने का अनुरोध है। रेस में निकालता हूं तेरी सारी अकड़। That's like a sportsman. Bye, Sharani. सबको यही इंस्ट्रक्शन। You're right, sir. On your mark. Get set.
कंग्रेचुलेशंस, तुम जीत गए। क्यों, तुम्हें कोई शक था? ये तुम्हारे लिए। Oh, come on guys, stop teasing Goldie now. Hey guys, ये मेरे जैसा लग रहा है ना? हाँ यार, ये तुम ही हो राजवीर। I know, बहुत अच्छा, thanks. तुम स्केच बहुत अच्छा करती हो। हाँ, डांस भी बहुत अच्छा करती हो। Thanks राजवीर। First stage ले ली ना? Bye. 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 शालिनी? हम आज रात को क्लाउड नाइन जा रहे हैं। आओगी? ऑफ कोर्स, मैं जरूर आऊंगी, मैं आऊंगी। सी यू देन। मैं अभी अभी तुम्हारे बारे में सोचा हूँ, हमेशा। आज तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, हमेशा की तरह। क्या पियोगी? एक्सक्यूज मी, प्रिया, प्रिया! हाय, तू यहाँ कैसे आ गई? अरे वो सब छोड़, तूने राजवीर को देखा है? राजवीर पता नहीं हो गए कहीं। एनीवे, मीट माय फ्रेंड जो, शालिनी। तूने राजवीर को देखा है कहीं? शालिनी, let's dance. चली गई हमेशा की तरह। Stop that! What's happening? What's here?
वायलेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर कोई जोर से बात भी कर रहा होता है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। और फिर राजवीर, आज तो मैं पहली बार डिस्को आई थी। What? हाँ, मेरे मम्मी पापा को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं भी अपने भाई जैसी हरकत ना कर बैठूं। उसने एक फॉरेनर से शादी कर ली और हमें छोड़कर चला गया। और मुझे भी पार्टी वगैरह में बहुत घबराहट होती है, पर आज मैं यहाँ पर आना चाहती थी। तुमने बुलाया था ना, इसलिए मैं छुपकर अपने कजिन निखिल की हेल्प लेकर आई हूँ। मतलब तुम्हारे घर वालों को ये नहीं मालूम कि तुम घर के बाहर हो? नहीं, मैं खिड़की से होकर पेड़ से उतर कर आई हूँ। I don't believe this. I know it's funny. पर मैं तुमसे मिलने आना चाहती थी। I did all this because I like you. You know, तुम जैसी दिखती हो ना, वैसी नहीं हो। क्या मतलब? You got beautiful eyes. अब हमें घर जाना चाहिए। Are you sure? Yeah. Okay, let's go. You just came and blew at me. Hey, Corinne. I didn't even know what you doing? Happening, man. Beta, whiskey on the rocks. Hi. Hey, guys. लड़कियां कहाँ हैं? अपने अपने घर चली गई यार, सबका मूड ऑफ हो गया। राजवीर, तूने सिंगल हैंडली सबको नॉकआउट कर दिया यार, यू आर टू गुड मैन। अब समीर और उसके लेफ्ट राइट तेरे सामने तो क्या, हमारे सामने भी नहीं आएंगे। ओ छड़ यार, ए राजवीर, उस नई लड़की के साथ कुछ बल्ले बल्ले हुई कि नहीं? बता तो सही। दस्ता जा। या मैन, डिड यू रीड दैट ब्यूटीफुल बुक? हां यार, डिड यू स्कोर? ऑफ कोर्स, बताना राजवीर। बताओ। बताना यार, अचानक गाड़ी रुकवाई, हम दोनों उतरे। उसने अपने जूते उतारे, फिर अपनी जीन्स। उसने अपनी जीन्स ऊपर की और पेड़ पे चढ़ गई। खिड़की के रास्ते अपने कमरे में। कमरे में फिर मैं यहाँ आ गया। ओ यार, तू तो कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा है यार। क्या करूं, लड़की ऐसी है। मतलब नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ ही नहीं। डोंट वरी, ही विल गेट इट वन डे। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। विक्रम का खत आया है, लिखा है उसकी बेटी रानी के लिए कोई लड़का नजर में हो तो। क्या इतनी बड़ी हो गई उसकी लड़की? हाय एवरीबॉडी। जिया जी, साडा राजवीर है, इसकी शादी करा दो ना उससे। हुमी? नो वे, मेरे बारे में तो सोचना भी मत। तेरे लिए कौन सोच रहा है, तो उससे अपनी जिम्मेदारी तो संभाली नहीं जाती, उसकी जिम्मेदारी क्या संभालेगा? ओके डैड, कूल इट, आई गॉट द पॉइंट, आई एम आउट ऑफ हियर। बीजी, रणबीर से बात करके देखें। ख्याल तो अच्छा है, आज ही बात कर लें। भैया भी कमाल के आदमी हैं, हर सैटरडे को भाग के यहाँ फार्म पे आ जाते हैं। पता नहीं क्या रखा है इस जंगल में, मेरा वीकेंड खराब कर दिया ना। बड़ी भूख लगी है, कुछ खान पीन का इंतजाम हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। कहाँ ना जंगल है, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, खाना ना पीना। ओ रखी, चुप कर, सब कुछ है यहाँ। लस्सी, मक्खन, पराठे सब मिलेंगे, वो देख रसोई। मामा जी, मेरी बहन है। ओए रन्नू, ओ अपने मामा के गले तो लग जा। ओ मेरे भांजे। नहीं 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 नहीं। ओ रन्नू, ओ मेरी बात तो मानता जा। ओ रन्नू, ओए सुनो। अरे रॉकी, तू भी आया है? नहीं भैया, लाया गया हूँ। पापा जीता रहे। पुत्र,
तुझे यहाँ फार्म में देखकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। फसल की कटाई करवा रहा है? हाँ पापा, कुछ रोज पहले बारिश पड़ गई थी जिससे फसल खराब हो रही थी, इसलिए जल्दी से कटा रहे हैं। अच्छा पुत्र, मुझे तो उससे कुछ बात करनी है। कहिए पापा। वो गांव से विक्रम की चिट्ठी आई है। क्या लिखा है विक्रम चाचा ने? उसने अपनी बेटी रानी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखने की बात लिखी है। पुत्र, तू तो जानता है विक्रम के बड़े आसार हैं हम पर, फिर वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है। मैं चाहता हूँ ये दोस्ती रिश्ते में बदल जाए। तूने अपने लिए कोई लड़की तो पसंद नहीं कर रखी ना? इस रिश्ते से तुझे कोई एतराज तो नहीं? नहीं पापा, जैसा आप ठीक समझे। शाबाश पुत्र, अब जा अपना काम खत्म कर ले। बीजी। सुना बीजी, रणवीर हमारी बात मान गया। जुग जुग जी हमारा पुत्र, रणवीर हमारी कोई बात नहीं टालता। और एक ये है, हमारी कोई बात नहीं मानता। डैड, मैं आपकी हर बात तो नहीं मान सकता ना। भैया भैया, आपने शादी के लिए हाँ कर दी? आर यू क्रेजी भैया? आप ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकते हैं जिसे आपने कभी देखा नहीं? हाँ भैया, एक गांव वाली लड़की से आप शादी करेंगे? ऐसी लड़की जो 9 फुट लंबा घूंघर लेकर आपके चारों तरफ घूमेगी और कहेगी, सुनते हो, आप मेरे प्राणार्थ हैं, मैं आपके चरणों की दासी, आपके प्यार की प्यासी। और भैया वो कौन सा त्योहार है जो लेडीज बनाती है, चांद का नजर करती रहती है फिर पूरा दिन खाती नहीं है? ये भी ऐसे ही करेगी भैया, वो चांद का नजर करेगी और जब तक आप उसे आशीर्वाद नहीं देंगे ना, तब तक खाना नहीं खाएगी। रॉकी, जिस चीज के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं उसका मजाक नहीं उड़ाते। रॉकी, ए रॉकी, चल देखते हैं उस ट्यूबवेल तक पहले कौन पहुंचता है। हाँ, या व्हाट? ओके, देखा भैया, हाँ मुझे हरा नहीं पाए। हरा नहीं सकता? अरे तुझे तो जीतना चाहिए। देख किस तरह हाँप रहा है तू। अरे सिगरेट छोड़ के नहीं देता तू? देखा ना, आप फिर से मुझे डांटने लगे भैया। तेरी तो मुझे मरम्मत करनी चाहिए, तब जाके तू ठीक होगा, बदमाश कहीं का। अरे तू, तेरी कितना अच्छा लग रहा है तुम दोनों को यहाँ साथ देखकर। रॉकी, तू भी कभी आया कर, अपने भाई का हाथ बटाया कर, जब देखो दोस्तों में मस्त रहता है। अच्छा ले लस्सी पी। नो बीजी, नो लस्सी फॉर मी। और नहीं तो क्या, विस्की? ओके बीजी। बस अब मुझे तेरे लिए एक सोनी सी कुड़ी ढूंढनी है। कल मैं जा रही हूँ धनवाजी के यहाँ लेडी संगीत में, वहाँ कोई प्यारी सी लड़की ढूंढूंगी, मुझे साथ लेकर जाना कल। मैं? नो वे बीजी, संगीत वंगीत में मैं नहीं जाता, आप भैया से पूछिए। हाँ हाँ, कोई मत जाना, अभी मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं अकेली चली जाऊंगी। वहाँ जाके मैं सबसे कह दूंगी कि मेरे 2 हट्टे-खट्टे मुस्टंडे पोते हैं, मगर मेरे लिए किसी के पास वक्त नहीं है। तने लाखों की तो तेरी ये गड्डी है, पर मुझे जल्दी नहीं पहुँचा सकती। ओहो बीजी, ये कार है, प्लेन नहीं है। और फिर देखो ट्रैफिक कितना है। आग लगे। हेलो, पहुँच गए। ये लो बीजी, आ गया आपका संगीत। देखा, संगीत शुरू हो गया। छोटा होता तो मुझे वक्त पे लाता। पर आपको यहाँ लेकर कौन आया बीजी? मैं ही लाया हूँ ना। पुत्र ये तो ठीक है, वक्त पे तो तू ही काम आता है। बीजी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते, आपका ही इंतजार हो रहा था। मैं क्या करूँ, मेरे पोते ने देर करवा दी। आइए आइए। चलो बीजी।
अच्छा बीजी, मैं आपको लेने कितने बजे आऊँ? 4 बजे आ जाना। ठीक है ठीक है। अच्छा जी। अरे नहीं ऐसे नहीं, हाय बिना मत जाओ प्लीज। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद नहीं है?
क्यों, इसमें क्या है? एनीवे इट्स आवर टर्न टू प्ले, हियर इज योर आइसक्रीम। आइसक्रीम मुझे नहीं, सॉरी। एनीवे यू डिडंट वांट इट। अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हारी शर्ट खराब हो गई है। इट्स ओके, इट्स जस्ट अ शर्ट, रिलैक्स। नो इट्स नॉट जस्ट अ शर्ट, ये शर्ट तुम्हें बहुत अच्छी लगती है राजू। अगर तुम लोगों की ड्राई क्लीनिंग की सेशन खत्म हो गई तो शैल वी प्ले द गेम? लेट्स प्ले। ओके। सपनों के देश में पलकों की छाँव में प्यार के नाम का वो जो एक मोड़ है, हाँ उसी मोड़ पर मैंने देखा तुम्हें, तो मुझको लगा तुम हो खिलती कली, तुम हो चल चल के रन, छलकी छलकी नदी, महका महका चमन, तुमसे है ताजगी, तुमसे है जिंदगी, तो मैंने कहा I'm not afraid to die.
भैया, am I missing something? इस सिले में कुछ खास बात तो है पर मुझे नजर नहीं आ रही। रॉकी, कब आया तू? एग्जैक्टली 6:26 पहले। रॉकी, मुझे प्यार हो गया है। ओह नो, नॉट यू भैया। आज उसे मैंने संगीत में देखा, बस वही दिखाई देती है, यहाँ वहाँ सब जगह। भैया आप आराम से जाके सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। रॉकी, आंख बंद करता हूँ तब भी वही दिखाई देती है, सोऊं कैसे? नींद की गोली ले लीजिए, आराम से नींद आ जाएगी। रॉकी, मुझे प्यार हो गया, प्यार प्यार प्यार। क्या तुझे कभी प्यार नहीं हुआ? मी? नो वे भैया, नो वे। वैसे भैया क्या होता है ये प्यार? You're crazy, bhaiya. Thank God, मुझे बीमारी नहीं और ना कभी होगी। I'm getting out of here. अरे रॉकी सुन तो। Now what is it, हाँ? बात सुन। आ? हाथ मत लगाना भैया, कहीं ये बीमारी मुझे भी ना लग जाए। What the hell are you doing, भैया? What the hell is this, हाँ? मजाक उड़ाता है? हाँ, मेरा मजाक उड़ाता है? पागल हो गए भैया? आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मार भी सकता हूँ। अगर तुझे प्यार हो जाता ना तो तू भी ऐसे ही करता। अब समझा प्यार क्या है? समझा? समझ गया, समझ गया, समझ गया। लेकिन भैया वो पंजाब वाली लड़की का क्या होगा? आपने तो हाँ कर दी है ना? हाँ रॉकी। हाँ? अब क्या होगा? क्या होगा? मैं पापा से क्या कहूंगा? नो प्रॉब्लम भैया, आप क्यों कहेंगे, मैं हूं ना। हाँ पापा। ओए अम्मी जी। ओके पापा। पापा चुप, चुप हो जा। अम्मी जी पापा की चुप। रॉकी, रॉकी ठीक तो है ना? ये तुम क्या कर रहे हो? भाई नहीं भाई, ऐसी तो डर गई थी। बीजी, नहीं नहीं, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ कोई। भैया फंस गए। कौन है वो लड़की? जी पता नहीं। उसका नाम क्या है? पता नहीं। वो रहती कहाँ है? पता नहीं। तो तुझे पता क्या है? मुझे पता है। आपको पता है? वैसे तो मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है लड़की बड़ी सोनी है, खानदानी है, मुझे पसंद है। पर बीजी हमने तो विक्रम को लिखा। अरे तो तूने जबान थोड़ी दी थी उसे? अरे बात तो समझ, इसे किसी से प्यार हो गया है। प्यार हो गया है? ऐसे कैसे हो गया प्यार? अरे जैसे तुझे हो गया था, अपनी ईर से भूल गया। क्यों, कैसे अपनी ईर को कांधे पर चढ़ा कर मेला घुमाने ले जाता था। पापा आप भी, आपको भी बीमारी थी। चुप कर पुत्र, तू फिकर न कर, मैं कल ही उस लड़की का पता लगाती हूँ। इट्स ऑल राइट। हेलो, रमा मेहरा हियर। बेटी मैं बीजी बोल रही हूँ। बीजी? किरण इंटरकॉन्टिनेंटल वाले वीर सिंह की माँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते बीजी। हाँ बोलिए। मैंने तुम्हारी बेटी को धनोआ की बेटी के संगीत में देखा था। जी बड़ी सुंदर लड़की है। जी मैंने सोचा क्यों ना मैं उसका हाथ मांग लूं अपने पोते रणबीर के लिए, उसे भी बहुत पसंद है। जी क्या हुआ? जी बीजी, बीजी मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े घर का रिश्ता आएगा शालिनी के लिए। शालिनी माए नी माए, जितनी प्यारी कुड़ी उतना ही प्यारा नाम। शालिनी तो बेटी कब आ सकते हैं हम तुम लोगों से मिलने? कल सैटरडे मेरा हाफ डे है, परसों आइए ना आप बीजी, परसों छुट्टी भी रहेगी। नहीं नहीं हम कल ही आएंगे, हम नहीं चाहते कि हमारे रणबीर से पहले कोई और चुरा ले जाए तुम्हारे हीरे को। ओए, यानी ये रिश्ता पक्का हो गया?
तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली जाएगी। ओहो, तो क्या जवान बेटी को जिंदगी भर घर में बिठा कर रखोगे? ओए, अभी तो बच्ची है। मैं कब से कह रही हूँ कि चश्मा लगा लो। हम दुनिया के पहले माँ बाप नहीं हैं जिनकी बेटी बड़ी हुई है। ये दिन तो आना ही था। मैं बस दुआ करती हूँ कि ये रिश्ता पक्का हो जाए। ओए, होगा क्यों नहीं, हमारी शालिनी जैसी लड़की उन्हें मिलेगी क्या? क्या बात करती है, शालिनी को भी वो लड़का अच्छा लगना चाहिए। हाँ, चल चल के बात करते हैं। अभी अभी तो वो सो रही होगी। ओए, उठा लेंगे, चल। लेकिन चल ना, देखा कितने प्यार से सो रही है, सोने दीजिए ना। नहीं, कल सुबह बात करते हैं। पुत्र, जमीन
कर रही हो शालिनी? आज मैं बहुत खुश हूँ राजवीर, बहुत खुश, बहुत खुश। मुझे दिखता है, लेकिन क्यों? Because I'm in love. मुझे प्यार हो गया राजवीर। What? हाँ राजवीर, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारी आंखें ही नहीं, तुम भी बहुत खूबसूरत हो शालिनी। किनारा आ गया। Yeah guys, we're coming. Come on, Shalini. उस पार्टी पे चलते हैं। नहीं नहीं राजवीर, अब तो मुझे घर जाना होगा। Come on, Shalini. अब तुम घर के बाहर आ गई हो तो सुबह 4 बजे जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे पेरेंट्स सो रहे होंगे। हाँ, फिर भी आज नहीं राजवीर, अगली बार तुम जितनी देर तक कहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ओके, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एश, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या करूं, तुम्हें तो मुझे आज बंदर बना दिया। आई लव यू राजवीर, बाय बाय, सी यू। जाओ अब तुम। ए मामा, कौन है तू? कहां भागे जा रहा है? रुक, तू वहां क्या कर रही है? चल अंदर। नहीं मामा, नहीं, अंदर आ, चल। बदमाश, कहाँ गई थी तू? बोल कहाँ गई थी तू? बोल। डांस करने गई थी। अरे हमें क्या पता क्या करने गई थी, डांस करने गई थी या कुछ और करने गई थी उस लफंगे के साथ? तू और क्या क्या करती है? सिगरेट पीती है, शराब पीती है, ड्रग्स लेती है? बोल क्या करती है तू? कैसी है तू, कैसी है तू? आज हम ऊपर ही नहीं आते तो हमें कैसे पता चलता कि इतने दिनों से तू हमारी आंखों में धूल झोंक रही है? तू बात मत कर मुझसे। पापा, पापा, अब समझाइए ना मम्मी को। क्या समझाऊं बेटी, समझाने को रह क्या गया है? कितना नाज था हमें तुम पर, तुमने तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। कितना खुश थे, यहाँ आए थे तुझसे पूछने तेरी शादी की बात। शादी? शादी नहीं मम्मी, मैं शादी। इतना सब कुछ होने के बाद भी ना कह रही। रमा, नहीं रमा, मत रो प्लीज। मम्मी, मम्मी प्लीज मत रो, मम्मी प्लीज मत रो। I love you मम्मी, प्लीज मत रो मम्मी, प्लीज। मैं क्या करूं मम्मी, मुझे मम्मी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर तुझे हमसे थोड़ा सा भी प्यार है ना, तो कल जो लड़का तुझे देखने आने वाला है उसके सामने हमारी इज्जत रख लेना बस। Let's go.
वीर सिंह जी। नमस्ते जी। मैं शालिनी का पिता। आओ आओ। सत श्री अकाल जी। नमस्ते। हेलो, आइए। नमस्ते। 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 आइए ना, माफ कीजिए, हमारा घर जरा छोटा है। अरे घर की बात छोड़ो, दिल में जगह होनी चाहिए। दिल में तो हमारे बैठने की जगह है ना। बिल्कुल। ओ जी, बड़े आराम नाल, तुसी इस मामले च बेफिक्र रहो। प्रिया देख, शालिनी तैयार हुई कि नहीं। आंटी, ये मेरा पुत्र। नमस्ते। और ये मेरे पुत्र का पुत्र रणवीर। हेलो। और ये, ओ जी, मैं हूँ इनके पुत्र के पुत्र का मामा, जोगिंदर। ये राजी मेरा कार्ड। लुधियाने की A1 टिकाऊ गंजियां आपको मुझसे ही मिलेंगी। और जी, ये रिश्ता तय हो गया ना, तो 20% डिस्काउंट दिलवाऊंगा आपको। हेलो जी, मेरा कार्ड। क्या लेंगे आप लोग? चाय, कॉफी या ठंडा? हम तो सिर्फ आपकी बेटी लेने आए हैं, पर वो है कहाँ? के चांद का टुकड़ा। आ सोनिए, आ मेरे कोल बैठ जा, आ जा। इसे दूध में नहीं लाती हो क्या? हमारे पास तो जो है जी, बस हमारी बेटी ही है। और हमें चाहिए भी क्या, एक बेटी की कमी थी घर में, आज वो भी पूरी हो गई। इसे घूरता ही रहेगा या कुछ बोलेगा भी? या मेरी शादी के लिए आई है तेरी? बेटी, चलने से पहले तो चलो चलो कह रहा था, और अब देखो चुप बैठा है। अरे यहाँ आए हैं तो बात तो करो उससे। बीजी, ये यहाँ नहीं बोलेंगे, तुम शालिनी को लेकर बाहर घूम कर आ। हाँ, अब पूरी जिंदगी तुम दोनों ने साथ में ही तो निभानी है, बेहतर है आपस में बात कर लो, एक दूसरे को समझ लो। चलो जाओ। थैंक्स। अच्छी जगह है ना? जी जी हाँ। योर ऑर्डर सर। क्या लेंगी आप? जी कुछ नहीं। कम से कम चाय तो ले लीजिए। ओके। दो चाय। इस ड्रेस में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक्स। जानती हूँ, मैंने पहली बार आपको संगीत में नहीं देखा। यहाँ पास ही में एक सिग्नल है जहाँ पर मैंने आपको देखा था, बाद में मैं आपको वहां लेकर जाऊंगा। शाम का वक्त था, हल्की सी बारिश पड़ रही थी, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। आप देखी सब कुछ से ज्यादा खूबसूरत, मैं आपको देखता ही रह गया। आप भीड़ के अंदर खो गई और मैं आप में खो गया। मुझे पता ही नहीं चला कब ट्रैफिक लाइट्स बदली। खैर, फिर मैं कई बार उसी रास्ते से गुजरा इस उम्मीद से कि मैं दोबारा आपको देख पाऊं, मगर आप नहीं दिखी। सब कुछ एक सपना बन गया। अगर बीजी मुझे जबरदस्ती संगीत पर नहीं लाती ना, तो मैं आपको दोबारा नहीं देख पाता। जानती आप मेरे कितने करीब बैठी थी, और जब घूमकर आपने मेरी गोदी में बचा रखा और मैंने आपको देखा, फिर मैं आपको देखता ही रह गया। पता नहीं चला कब उन लड़कियों ने मुझे अंदर घसीटा। याद आपने मेरा चश्मा निकाला था और पहना। शालिनी, आई लव यू। शालिनी, आई लव यू वेरी मच। आई लव यू। हेलो। हेलो भैया, आपने फोन किया था, क्या बात है? हाँ कुछ नहीं, मैं यहाँ किसी के साथ बैठा हूँ। किसी के साथ? भैया कहीं आप अपने सपने वाले के साथ तो नहीं बैठे? भैया आप है कहाँ? मैं अभी आया। नहीं नहीं, मैं बाद में बात करूंगा, बाद में। भैया मेरा छोटा भाई था, लगता मैं कुछ
ज्यादा ही बोल गया हूँ। आप बताइए ना, आपको कैसा लगा जब आपने मुझे पहली बार संगीत में देखा था, बताइए ना। रणवीर जी, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। क्या कहा आपने? मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, कोई भी लड़की आपको पाकर अपने आप को खुशकिस्मत समझेगी, लेकिन मैं मजबूर हूं, मुझे बहुत अफसोस है। आई एम रियली सॉरी। मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ रणवीर जी। अब शादी नहीं करना चाहते, फिर मिलने के लिए हाँ क्यों की? मेरे मम्मी पापा की वजह से, उन्होंने मुझे आपसे मिलने पर मजबूर किया और मैं उनसे ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। रणवीर जी, बात दरअसल यह है कि जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ ना, उसे मेरे मम्मी पापा गलत समझते हैं, जबकि वो बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ रणवीर जी। मेरे इस फैसले से मेरे मम्मी पापा को बहुत दुख पहुंचेगा, लेकिन मैं क्या करूं, आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। जिसे आप प्यार करती हैं उसी से शादी कर लीजिए। चलें। आप ये भूल गए थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ प्रिया, पर क्या हुआ, वो ऐसे इतनी जल्दी में क्यों चले गए? तूने उनसे कुछ? हाँ मम्मी, मैंने उसे सच बता दिया और उसने भी मुझसे यही कहा कि मुझे उसी से शादी करनी चाहिए जिससे मैं प्यार करती हूँ। And I love Rajveer, mummy. I really love him. उस राजवीर के लिए तुमने इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया? तुम उसे जानती हो? हाँ, निखिल बता रहा था इसी के कॉलेज में पढ़ता है वो लड़का। शराब, लड़कियाँ, मौज मस्ती, यही सब शौक है उसके, और आजकल इसे नया शौक बनाया हुआ है उसने। ये झूठ है, झूठ है ये सब कुछ। पापा पापा पापा, ये सब कुछ झूठ है। पापा ये झूठ कह रही है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पापा मुझ पे यकीन कीजिए, आप मुझ पे यकीन कीजिए पापा। एक बार यकीन करके देख लिया ना पुत्र। पापा आपको मुझे एक मौका और देना ही होगा। पापा ये सब कुछ जो राजवीर के बारे में कह रहे हैं ना, वो गलत कह रहे हैं। मैं जानती हूँ उसे, सिर्फ मैं। राजवीर अच्छा है पापा, मुझसे बहुत प्यार करता है वो कल ही आपसे मिलने आएगा और फिर आपको भी यकीन हो जाएगा कि आपकी बेटी की पसंद गलत नहीं है। प्लीज पापा, एक मौका दे दीजिए पापा। ठीक है, बुला ले उसे। Huh? Baba, what happened? You were to stand next to that girl, huh? He dare not. He kept standing, huh? Hi. Hey, Shalini. Hi. How are you? Rajveer, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। यहाँ नहीं। यहाँ क्या खराबी है? यहाँ नहीं राजवीर। कम। हाँ बोलो। यहाँ भी नहीं। शालिनी क्या कर रही हो? प्लीज राजवीर, यहाँ। हाँ बोलो। राजवीर, उस रात तुम्हारे जाने के बाद। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, क्या हुआ? मैंने तुम्हारे मोबाइल पर कितना ट्राई किया, तुम्हारे लिए मैसेजेस छोड़े, तुम थे कहाँ? हाँ मैं वो पार्टी पे था ना, ज्यादा हो गई थी इसे, दिन भर सोता रहा। एनीवे व्हाट हैपेंड? मेरे लिए एक रिश्ता आया था, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कर देना चाहते हैं। व्हाट? हाँ, उन्हें मेरा इस तरह घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ ये बात तो सही है। हाँ
तुम्हारी इस तरह पेड़ से लटक कर आना और चुपचाप वापस जाना, इट्स सिली यू नो। दरवाजा है, तुम्हें दरवाजे से आना चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम एक बार आके मेरे पेरेंट्स से मिलो। मैं? तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स से कहो कि मेरे मम्मी पापा से आके मिले। नहीं वेट अ सेकंड, मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स से मिले, लेकिन क्यों, किस लिए? ओहो राजवीर, जब तक हमारे पेरेंट्स मिलेंगे नहीं हमारी शादी कैसे होगी? शादी हमारी? क्यों, प्यार किया है तो शादी तो करेंगे ना हम। ये सडनली तुम्हें प्यार शादी पेरेंट्स, क्या हो गया? हाँ किसी डॉक्टर के पास चले। राजवीर प्लीज, मजाक का भी वक्त होता है, कभी तो सीरियस होना सीखो। सीख लेंगे, पूरी उम्र पड़ी है इसके लिए। फिलहाल ये ऐश करने के दिन है, मौज मस्ती के दिन, हवा में उड़ने के दिन। लेट्स फ्लाई एंड रिलैक्स। राजवीर तुम मुझसे प्यार करते हो ना? शालिनी तुम, राजवीर जस्ट टेल मी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम इतने अजीब मूड में क्यों आज? हाँ या ना में जवाब दो राजवीर, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? देखो शालिनी, प्यार व्यार क्या होता है आई डोंट नो। हाँ इतना जानता हूँ कि तुम्हें मिलता हूँ तो अच्छा लगता है, तुम्हारी बातें अच्छी लगती हैं, अच्छा वक्त करता है तुम्हारे साथ। That's it? वक्त काटने के लिए रहते हो तुम मेरे साथ? राजवीर तुम प्यार नहीं करते मुझसे राजवीर, यू डोंट लव मी। नहीं राजवीर, यू लव मी, तुम प्यार करते हो मुझसे राजवीर, यू लव मी, आई नो इट राजवीर, आई नो। ओके ओके, आई लव यू। चले अभी? चलो मम्मी डैडी से मिलते हैं, लेट्स गेट मैरिड। What the bloody hell is this? ये शादी, ये प्यार? इसका मतलब तुम प्यार नहीं करते मुझसे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते राजवीर। हाँ नहीं करता, I don't love you, okay? I don't love you. इसका मतलब लोग जो तुम्हारे बारे में कहते हैं वो ठीक कहते हैं? क्या क्या ठीक कहते हैं? कि तुम्हारे लिए किसी की फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं, तुम लड़कियों के साथ। क्या क्या करता हूँ मैं लड़कियों के साथ? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? बिना तुम्हारी मर्जी के कभी छुआ तुम्हें? Have I ever slept with you? तुम कौन होती है कहने वाली कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी? मैं कहता हूं कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। I don't want to see you, understand? Now get lost from here. तुम दोनों पहनों के मुंह से एक बार बात निकल गई तो फौरन हो जानी चाहिए। एक बार शालिनी का मन है मिल लेते हैं उस लड़के से, नहीं तो जहां तू कह रही है बात कर लेंगे। क्या 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 नाम बताया उस लड़के? वो मुझसे प्यार नहीं करता पापा, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो कहते हैं कि उसे मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, वो तो जानता ही नहीं पापा कि प्यार क्या होता है, कि शादी क्या होती है, और मैंने ऐसे आदमी से प्यार किया, पागलों की तरह प्यार किया, उसे पागलों की तरह प्यार किया। Oh my God, I'm made a fool of myself. I just want to die. मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ पापा। ए, ए, क्या बक रही है? ऐसी बातें नहीं करते।
मरने की बात कभी जुबान पर भी मत लाना। मुझसे गलती हो गई पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको बेइज्जत होना पड़ा, मेरी वजह से। मैंने आपका विश्वास तोड़ा है पापा, मुझसे गलती हो गई, और ये सब उस लड़के के लिए जिसने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए पापा। अरे इसमें माफी की क्या बात है बेटे, गलतियां तो हम सब करते हैं, हम भी करते हैं नहीं। अगर राजवीर गलत था तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे लड़के गलत हैं। अरे पापा नहीं, मुझे शादी नहीं करनी अभी किसी से भी नहीं, कभी भी नहीं पापा। मैं तो बस आपके साथ रहना चाहती हूँ पापा, बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे प्रॉमिस कीजिए, मुझे आपसे अलग कभी नहीं करेंगे पापा। मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं कॉलेज भी नहीं जाना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं चाहती। कौन भेज रहा है बेटे तुझे यहाँ से? तुम्हारे साथ ही रहेगी, पापा और बेटे साथ रहेंगे ना, तू पापा का ख्याल रखेगी। Yeah.
आई थिंक यू आर मिसिंग शालिनी। क्या? हाँ राजवीर, तुझे शालिनी से प्यार हो गया है। नहीं नहीं, सब कह रहे हैं। सब कह रहे हैं? हाँ डिंपल, जा शिपाली, तुम सबको लगता है कि मुझे शालिनी से प्यार हो गया है? बोलते कि नहीं? ए, वी आर वॉचिंग अ मूवी। तुम सबको लगता है कि मुझे शालिनी से प्यार हो गया? Come on, speak up! हाँ, हमें लगता है तुम्हें शालिनी से प्यार है। राजवीर, we think you are in love. Dimple is right, Rajveer. You are in love. Absolutely. मुझे शालिनी से प्यार हो गया। मुझे Come on, get up. Come with me. उठा पत्ते ले। यस शालिनी है। कौन हो तुम? राजवीर। तो तुम हो राजवीर? हाँ मैं हूँ राजवीर। मम्मी, राजवीर अब यहाँ क्या करने आए हो? मुझे शालिनी से कुछ कहना है। जो कुछ कहना है मुझसे कहो। मुझे जो कहना है शालिनी से कहना है। देखो देखो, पहले ही तुम मेरी बेटी का दिल तोड़ चुके हो। बड़ी मुश्किल से थमे हैं उसके आंसू, अब और उसे रुलाना चाहते हो? एक्सक्यूज मी सर, आपकी बेटी ने आपसे क्या कहा मुझे नहीं मालूम। अब अगर वो हमारे साथ साथ रहने को, घूमने फिरने को, दोस्ती को प्यार का नाम दे दे तो उसमें मेरी क्या गलती है? प्यार, I don't love her. और आज भी मैं यही कहने आया हूं अपने सारे दोस्तों के सामने, क्योंकि इन्हें भी ऐसा लगता है कि मुझे शालिनी से प्यार हो गया है। I don't love her. बुलाइए उसे। शालिनी जान चुकी है कि तुम उससे प्यार नहीं करते। देखो, एक बार उसका तमाशा बना चुके हो तुम, बहुत बेइज्जती कर चुके हो उसकी तुम। दोबारा मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। तुम यहां से चुपचाप चले जाओ। जब तक मैं शालिनी से अपनी बात नहीं कहूंगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। क्या समझते हो तुम? क्या समझते हो अपने आप को? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं तुम में? लगता है किसी घटिया खानदान से? मेरे खानदान तक मत जाइए, मुझसे बात कीजिए। मुझसे क्या हैसियत है आपकी? हाँ, पहले अपने खानदान को देखिए। आपकी बेटी छुपकर मुझसे मिलने आती थी। आपकी बेटी चाहते हो कि पुलिस को बुलाऊं? बुलाइए, बुलाइए पुलिस को। क्या किया मैंने? हाँ क्या किया? बात तो करने आया था। अरे मैंने क्या किया यार? बुलाइए पुलिस को, बुलाइए। खानदान की बात करते रहे मेरे, क्या हैसियत है आपकी? जस्ट लीव मी, ओके लीव मी। मैं सिर्फ ये कहना आया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सुना तुमने? I don't love you. अब तो पता चल गया ना, मैं उससे प्यार नहीं करता। Okay, yeah, let's get out of here. Come on, let's go. Oh no. Oh, Aidan! Aidan!
मामा जी आपकी टर्न है। हाँ जी। हाँ रॉकी। मैं गोल्डी बोल रहा हूँ भैया। हाँ गोल्डी, रॉकी कहाँ है? वो लड़ रहा है भैया। लड़ रहा किसके साथ लड़ रहा है? क्या बोल क्या रहे तू? वो कई लड़के हैं, उन्होंने उसे घेर लिया है। कहाँ हो तुम लोग? हम जू फ्लाइंग क्लब में भैया। कौन थे ये लड़के? अरे बोलता क्यों नहीं, कौन थे ये लड़के? मेरे कॉलेज के लड़के थे। कॉलेज के? ऐसे गुंडे मवाली पढ़ते तेरे कॉलेज में? क्यों पिए इतने तूने आज? हाँ? पकड़ के रखे, खून मेरा तेरा। हेलो डॉक्टर शाह। हाँ मैं रणवीर बोल रहा हूँ। अब जल्दी से घर आइए, रॉकी को काफी चोट लगी है, अब जल्दी पहुंचिए। ठीक कहते हैं सब लोग, मैंने बिगाड़ा है तुझे, अच्छा इस्तेमाल किया मेरी दी हुई आजादी का तूने। अगर गोल्डी मुझे फोन नहीं करता, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो मालूम है क्या हो जाता तुझे? अरे अपने बारे में नहीं सोचता तो हमारे बारे में सोच, कितना प्यार करते हैं हम तुझे, क्यों ढीठ की तरह बैठा बोलता क्यों नहीं कुछ? I'm sorry भैया, I'm sorry भैया। भाई बोल, क्या हो गया? जी कुछ नहीं हुआ, आप जल्दी से फर्स्ट एड किट ले आइए। जी। रॉकी, रॉकी क्या हुआ रॉकी? पापा कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत कीजिए, मैंने डॉक्टर शाह को फोन कर दिया, वो आ ही रहे होंगे। कुछ नहीं हुआ, इतना सारा खून बह रहा है रॉकी। पापा वो रॉकी क्या हुआ, बोलता क्यों नहीं, कहीं मारपीट तो नहीं हुई? रॉकी, रॉकी तू हट एक तरफ, लगाओ इसके सर पे। हिल मत, चुप कर, आज तेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं करने वाला, ये लड़का तो हमारी जान लेकर रहेगा। बैठ। कैसे हुआ ये सब? कुछ लड़कों के साथ थोड़ी सी हाथापाई हो गई थी पापा। तू इसे थोड़ी सी कहता है, वहां पुलिस तो नहीं आई थी? नहीं पापा, मैंने सब संभाल लिया है। बस देख लिया तेरा संभालने का तरीका,
तुम दोनों के लाड प्यार ने ही सिपकारा है। और तू भी सुन, आज के बाद तेरा कॉलेज आना बंद। बहुत सीख लिया तूने, बहुत कर ली पढ़ाई, आज तेरी सारी शिक्षा नजर आ रही है। गुंडागर्दी, खून खराबा, आज के बाद तू अपने भाई के साथ अपने होटल में इसका हाथ बटाएगा। अब कुछ सीखना है तो जिम्मेदारी सीख। That's bloody unfair. क्या मैं कोई 5 साल का बच्चा हूँ? जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। ओए, क्या बोला तू? मैं अब भी तेरा बाप हूँ। जिस दिन ये रिश्ता तोड़ देगा उस दिन ये हद भी तोड़ देना। मैं कुछ नहीं कहूंगा। देख अपने आप को और फिर देख इसे। पुत्र, तेरी बर्बादी मुझे साफ दिखाई दे रही है। भगवान ना करे वो दिन देखने के लिए मुझे जिंदा रहना पड़े। देख लेना, जिस दिन मैं मरा ये लड़का मुझे कंधा देने भी वक्त पर नहीं आएगा। पड़ा होगा कहीं अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब के नशे में। हाँ, नहीं दूंगा कंधा, नहीं दूंगा। यही सुनना चाहते ना? I'm bad, bad, bad. जी? अरे पद्धू और गीता बहन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये क्या, कोई नई डिश नहीं लाया आज? नहीं सर, इस बार हम एक रिक्वेस्ट लेकर आए सर। रिक्वेस्ट क्या है सर? कि पद्धू और मैंने एक गरबा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। हम चाहते कि थोड़ा टाइम निकाल कर प्लीज आ जाइए सर। यस सर, प्लीज नो, आई मीन नो नहीं कहने का सर। यस सर, आप लोगों ने कहा तो जरूर आऊंगा। रियली? थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हेलो रणवीर बेटे, कैसे हो? काम काज कैसा चल रहा है? आप सबका आशीर्वाद है बस। और पापा जी, बीजी कैसे हैं? वो नहीं आए जी? वो बीजी वहाँ। वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। सर, दिस गेम रियल एंटरटेनमेंट सर, प्लीज कम सर। नहीं नहीं, देखिए मैं आप लोगों को सिर्फ विश करने आया हूँ और इससे ज्यादा और कुछ नहीं। रिया, कौन है ये? ये वही लड़का है जो शालिनी को देखने आया था। अच्छा? यही वो? हैंडसम है रे। लेकिन प्रिया, इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि शालिनी को मना करना चाहिए था। हाँ, ऐसा अब लग रहा है। तब तो तू थी ना उसके साथ। ओ या, उस दिन तो तू शालिनी के साथ थी, तूने क्यों नहीं समझाया? तू तो ऐसे बात करिए जैसे मैंने कहा उसे मना करने के लिए। निशा, तू देख। देख प्रिया, आज झगड़ा नहीं करते। ओके, आज कुछ करते हैं। ठीक है। ओके। देखिए मुझे बिल्कुल नहीं आता। देखिए एक्चुअली बहुत ही आसान है, सिर्फ रिदम को फॉलो करना होता है। रिदम? हाँ, बस ट्राई करें। शैल वी ट्राई? ओके ओके, ये है ना, वन वन एंड टू। आई एम सॉरी। नो इट्स ओके, एक बार और ट्राई करें। देखिए, वन वन एंड टर्न। हाँ बस इतना ही है। अब एक बार और, वन एंड टर्न। ओह, आ गया आपको तो। या ओके, एक बार और करते हैं। Let's try. One
एंड आउट। खून, खून। नहीं, देखिए। One second, excuse me। अरे भाई बर्फ चाहिए। कुछ नहीं। हाँ, इधर बैठिए। हाँ। दर्द हो रहा है? हाँ। उंगली एकदम सुन हो गई। कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब क्या है कि खून बहना बंद हो जाएगा ना? हाँ। I'm really sorry। मुझे देखो मैंने आपसे कहा था ना मुझे। No, it's okay। I'm sorry। I'm really। It's really okay, really। आपका बॉयफ्रेंड नहीं है आपके साथ? हम फ्रेंड्स नहीं रहे। पर आप तो उसके साथ शादी करने वाली थी ना उससे? प्यार भी उसी से करती थी। लेकिन जो मैंने चाहा वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो प्यार ही नहीं करता था मुझसे। ओके? I'm sorry। मेरा मतलब ये नहीं था। नहीं, नहीं एक्चुअली। पता नहीं मुझे क्या हो गया। अंदर एक कड़वाहट से भर गई। शायद इसलिए कि मेरा विश्वास ही बुरी तरह से टूट गया। मैं सोचती थी जो जैसा है सच है, आंखें जो देखती है वही सही है, पर ऐसे होता नहीं है। सब कुछ झूठ है, सब कुछ नकली। और प्यार सिर्फ एक लफ्ज है। I'm sorry। अंदर जाऊं या नहीं जाऊं? जाऊंगा तो बात होगी, नहीं जाऊंगा तो बात नहीं होगी। मैं जाऊं या नहीं जाऊं? अरे जाना। हाँ, हाँ मैं जाता हूँ। ओके, मैं जा रही हूँ। तुम जाने से पहले सेल्स का स्टॉक चेक कर लेना। ओके, सी यू, बाय। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी, मैं यहाँ काम करती हूँ। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि आप यहाँ काम करती हैं। कुछ खरीदना था आपको? हाँ। ओके, आइए ना। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ काम करती हैं। अच्छा, वैसे क्या खरीदना है आपको? हाँ, वो। ओह, कैंडल्स? जी हाँ। कौन सी पसंद है आपको? बहुत खूबसूरत है। जी। अब मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ काम करती हैं। I'll get it collected. Okay. मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ काम करती हैं। Thank you. जी, आपको मालूम नहीं था कि मैं यहाँ काम करती हूँ। You're right. मुझे नहीं मालूम था। क्या तोते की तरह रटे जा रहा है? मुझे नहीं मालूम यहाँ काम करती है। मुझे नहीं मालूम यहाँ काम करती है। मुझे नहीं मालूम ना कि कहाँ काम करती है। मैं बात करता हूँ। अरे कुछ बोलेगा क्या? नहीं मैं बोलता हूँ ना, एक मिनट। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बोल? अरे बताना क्या बोलेगा। मुझे टाइम तो दो ना, मुझे सोचता हूँ। हाँ बता। मैं बोलूंगा कि क्या बोलेगा कि आप किससे बात कर रहे हैं? आप कहाँ जा रही हैं? स्टेशन। मैं चलूं? ओए मजनू के बच्चे, अपनी लैला के साथ चल रहा कुछ बोलेगा या नहीं? हाँ, आप कुछ कह रही थी? जी, आप कुछ कह रहे थे? शायद हम लोग अपने आप से ही बातें कर रहे थे। हम नहीं, शायद आप। कॉफी पियेंगी आप? यहाँ पास ही में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है। जी नहीं, दरअसल मेरी एक फ्रेंड मेरे लिए वेट कर रही है स्टेशन पर। अच्छा, भेलपुरी?
ओके। दो भील देना। सूखा के गीला, तीखा के मीडियम। सूखा और मीडियम। मेरे लिए भी सेम। जी सर। इतने बड़े फाइव स्टार होटल का मालिक लड़की को पटाने के लिए उसे रस्ते का भेल खिला रहा? अरे तुझसे कुछ नहीं होगा। कहाँ खो गया? हाँ? नहीं, वो कितना हुआ? 20 रुपए। हाँ। भेल अच्छी थी ना? बहुत अच्छी थी। पता ही नहीं चला स्टेशन कब आ गया। स्टेशन आ गया? अरे हाँ, सच्ची आ गया, बहुत जल्दी आ गया ना। एनीवे अब मैं चलती हूँ, बाय। ये क्या आ गया लगा रखी है? Say something nice, say something romantic. Bye. कुछ कहा आपने? Bye. Bye. Idiot, idiot. आज की मुलाकात वेस्ट कर दी ना तूने। भेलपुरी खिलाएगा, प्यार व्यार प्यार करेगा, प्यार प्यार प्यार। अरे प्यार व्यार करना नहीं आता तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं क्या करूँ? क्या हाँ? क्या है? सॉरी, मैं मेरे लिए अरे मेरे पास तो गाड़ी थी, मैं उसे लिफ्ट दे सकता था। वो तो बहुत अच्छे हैं। हाँ वो शालिनी, रणबीर तुम्हें आज भी चाहता है। उसकी आंखों में आज भी मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार देखा। उसकी आंखों में भी मैंने प्यार ही देखा था, लेकिन फिर क्या हुआ? शालिनी, उसे तूने ही नहीं मैंने भी गलत समझा था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हर लड़का ऐसा हो। गलती सब करते हैं शालिनी, लेकिन गलती सुधारने का मौका सबको नहीं मिलता, तुझे मिल रहा है। छोड़ ना निशा, प्लीज मुझे उस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं करनी है। ये फूल किसने दिए? रणवीर ने मामा। रणवीर ने दिए? कहाँ मिला था वो? क्या करने आया था? तुझसे मिलने आया था? शालिनी, हादसों से अगर जिंदगी रुक जाती तो ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। बेटी, बुरे सपने के डर से कोई सपने देखना तो नहीं छोड़ देता ना? जब सपने और हकीकत टकराते हैं तो सपने टूट जाते हैं मम्मी, और मैं दोबारा टूटना नहीं चाहती। मायनी माय, तू इतनी जल्दी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहा है? जी कुछ नहीं बीजी, बस किसी बीजी। अरे रणवीर, अरे पुत्र, अरे बामला हो गया, कटे तो धीरे चला। बीजी धीरे चलाऊंगा तो मंजिल निकल जाएगी। मंजिल? हाँ बीजी, बड़ी मुश्किल से पता किया मैंने। अरे पहले ना बुझा, सुबह सुबह मुझे अगवा करके कहाँ ले जा रहा था? दस मिनट बीजी, बहुत अच्छी जगह लेके जा रहा हूँ मैं आपको। उस जगह का कुछ नाम तो होगा। आगे जगह। अरे ये तो मंदिर आ गया। पीजी अब अभी भी गाड़ी में बैठे हैं, जल्दी जल्दी चलिए ना। पीजी जल्दी चलिए ना, बीजी जल्दी करिए ना आप। ना लायक, माय गुरु की कृपा है, इस उम्र में चल तो रही हूँ। बीजी ओए की करता पे, ओए छोड़, आज तो तू सचमुच बावला हो गया। बीजी मैं की कर रहा? ओए छोड़। ओए हाँ बीजी, उतार। नमस्ते बीजी। नमस्ते बीजी। नमस्ते। वो क्या बीजी, रोज यहाँ आती हैं? अच्छा। आज जबरदस्ती मुझे नींद से उठा के ले आई। वैसे बीजी मेरे बगैर कहीं जाती नहीं है ना बीजी। रमा बेटी जरा इधर आना।
आई। तो आप मेरा पीछा कर रहे हैं? आप आगे आगे चल रही हैं। आप चाहते क्या हैं? साथ साथ चलना। बेटी, सुना आजकल तुम कहीं आती जाती नहीं? जी जी नहीं, तो बीजी ऐसी कोई बात नहीं है। रणवीर, तू कितने दिन से अपने फार्म हाउस में नहीं गया? जी आज ही चला जाता हूँ बीजी। जाऊं? जाऊं नहीं, जाओ तुम दोनों। हाँ, ये हम दोनों का हुक्म है। कितनी खूबसूरत जगह है, मैं पहली बार इस तरफ आ रही हूँ। आप यहाँ कई बार आ चुकी हैं। क्या? मेरा मतलब है आप मेरे साथ पहली बार आ रही हैं, लेकिन मेरे ख्यालों के साथ आप कई बार आ चुकी हैं। आप अक्सर आते ही हैं? हाँ, जब मैं अपने मोबाइल फोन्स और मीटिंग से थक जाता हूँ और लगता है अंदर की एनर्जी खत्म हो रही है, तब मैं यहाँ भागा चला आता हूँ। मेरा कमरा है। किसकी तस्वीर है ये? ये मेरी माँ है। जब मैं 8 साल का था, इनकी डेथ हो गई। ओह, आई एम सॉरी। आप पापा और बीजी से मिली हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई से नहीं मिली आप। ये है वो। सूरज से तो काफी जिद्दी लगता है। छोटा जो है, कुछ खाएं? हाँ, भूख तो लगी। ये क्या है? ये मक्खन निकाल रहे हैं। ओह, सुनिए जी। नमस्ते। नमस्ते, मैं एक बना दूं? हाँ, बनाओ। यहाँ तो सब कुछ एकदम गांव की तरह है। हाँ, इन चीजों में मैंने अपने बचपन की यादें संभाल रखी हैं। ए, ये तो गेहूं है ना? कुछ ही दिनों में ये सुनहरी हो जाएगी और कट जाएगी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। दे दूँ ना? उसके अंदर डालो, उसके अंदर। इसके अंदर? तो खा रही है, खा रही है। ए, 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 इससे भी ज्यादा खूबसूरत जगह देखना चाहेंगे? इससे भी ज्यादा? दिल लगी, ओ दिल लगी।
इसे पहन लीजिए, आपको ठंड लग जाएगी। प्यार में डूबी
सच है, हाँ ये सच है। तुमको भी मुझसे प्यार हो गया, तुमसे ही मुझको प्यार हो गया। निगाहों ने जो कहा, निगाहों ने जो सुना, सच है क्या बोलो जरा। हाँ सच कहा, सच कहा, ये सच है क्या बोलो जरा। जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं। मतलब? बहुत भारी हो। शालिनी, मैंने कुछ लिखा है, सुनोगी? शालिनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, इतना जितना सूरज करता है अपने किरणों से, चांद करता है अपनी चांदनी से, भूल करते हैं अपनी खुशबू से। शालिनी, क्यों ना हम अपने सपनों की दुनिया बनाएं, जहां सब कुछ बहुत खूबसूरत हो, और वहां हमारे साथ होंगे। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। सब कुछ यहाँ है, यहाँ। शालिनी, तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगी ना? शादी कर ले।
दिल को ही नहीं जाना, तन्हा तन्हा घूम रहा है कब से दीवाना। मैं क्या करूं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। रॉकी, ये क्या कर रहा था तू? हाँ भैया, भैया मैं वही कर रहा था जो आपने किया था। मैंने? हाँ, उस दिन स्विमिंग पूल में, याद है भैया? बेवकूफ, वो स्विमिंग पूल था या समुंदर है, यहाँ तो मर भी सकता था। हाँ भैया, ये तो समुंदर है। रॉकी, तुझे प्यार हो गया है ना? प्यार हो गया ना तुझे? पता नहीं भैया, लेकिन जहां भी देखता हूँ बस वही नजर आती है। अच्छा, तो तू ऐसा करके आराम से सो जा, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। सो कैसे भैया, आंख बंद करता हूँ तब भी वही नजर आती है। नींद की गोली क्यों नहीं ले लेता तू? भैया ए, हाथ मत लगाना, कहीं ये बीमारी मुझे भी ना लग जाए। भैया भैया, क्या यही प्यार है? क्या मुझे सचमुच प्यार हो गया भैया? हाँ हाँ रॉकी, तुझे प्यार हो गया है। पर ये क्या देवदास की तरह घूम रहा है? हाँ लड़की कहाँ है? Where's the girl? वो चली गई भैया। चली गई? क्या वो तुझसे प्यार नहीं करती? बहुत प्यार करती है, मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मैंने उसकी इंसल्ट कर दी अपने सारे दोस्तों के सामने। उसने कॉलेज आना छोड़ दिया, यहां तक कि मैंने उसके घर जाके उसके बाप की भी बेइज्जती कर दी। खो दिया उसे हमेशा के लिए। मैं क्या करूं भैया? जाकर माफी मांग उससे। माफी? मैं माफी मांगू उससे? क्यों, प्यार करता है ना तू उससे? गलती भी तुझसे ही हुई है ना, तो माफी भी तुझे ही मांगनी होगी ना। माफी मांगूंगा तो वापस आ जाएगी? क्यों नहीं वापस आएगी, कोई लड़की है ही नहीं जो तुझसे ज्यादा देर तक नाराज रह सके। और फिर मुझे देख, मैंने भी खो दिया था ना अपने प्यार को, वापस आ गया। ठीक है भैया। ए, कहां जा रहा है? माफी मांगने? इस वक्त सुबह जाना, और पहले अपने ये हुलिया तो ठीक कर ले। चल अब घर चलते हैं, चल। भैया आप बहुत अच्छे हो, पिछले जन्म में जरूर आप मेरी माँ रहे होंगे। तुझे माँ याद है? थोड़ी थोड़ी भैया, हमारी माँ बहुत अच्छी थी ना। बहुत अच्छी थी। शालिनी, हाय। राजवीर, तुम लेडीज कंपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए। थैंक्स थैंक्स, तुम बदल गए हो राजवीर। आई लव यू शालिनी। क्या? I love you. अब बहुत देर हो चुकी है राजवीर। I'm sorry शालिनी, अब मैं जान गया हूं प्यार क्या होता है। I love you.
तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूं? I'm ready. राजवीर, अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ. शालिनी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो. I know I hurt you, लेकिन I'm sorry. Let's go meet your parents. Come on, let's get married. क्या क्या कर रहे हो राजवीर? समझने की कोशिश करो राजवीर. इसमें समझना क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो. What's the problem? राजवीर, मैं किसी और से प्यार करती हूँ. कुछ ही दिनों में मेरी उससे शादी होने वाली है. तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती. तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी. मैंने कहा ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ. फिर तुम किसी और से प्यार कैसे कर सकती हो? I'll kill that bastard. You understand? I'll kill him. मैं उसे मार दूँगा. I'll kill him. तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी. तुम्हें मुझसे कोई नहीं जीत सकता. मार दूँगा उसे. Shut up. मैंने कहा ना, तुम सिर्फ मेरी हो, मतलब सिर्फ मेरी. तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता. I'll kill him. I mean what I say, Shalini. I'll kill him. मैं उसे जान से मार दूंगा. I will kill him. फर्स्ट टाइम किसी को टपकाना है क्या? खोल इसे. बोल. शाली इस वक्त कैफे रॉयल में. किसके साथ? राजवीर, मैं वो. किसके साथ? राजवीर. किसके साथ? राजवीर, मैं नहीं बता सकता. तू खुद ही आके देख ले. रणवीर, रणवीर, मुझे बहुत डर लग रहा है. बहुत घबराहट हो रही है मुझे. शालिनी, तुम्हें कितनी बार कहूं कि घबराने की कोई बात नहीं. ये देखो. वाह, बहुत खूबसूरत है. किसके लिए है? उस लड़की के लिए जो वहां बैठी है ना. तुम्हारे लिए है. ला, हाथ दो. हाथ दो. ए, क्या कर रहे हो? क्यों? ये एक रस्म होती है जो घर वालों और रिश्तेदारों के सामने निभाई जाती है, जिसे कहते हैं सगाई. राइट? राइट. भूख लगी है, कुछ मंगाए? मैं भी ऑर्डर करता हूँ. वेटर, रॉकी. तुम यहाँ? अरे आ गया, तो इधर आ. मैं तुझे अपनी शालिनी से मिलाता हूँ. आ इधर आ. हैंडसम है ना? जो भी इसे देखता है देखते ही रह जाता है. रॉकी, तू वहां खड़ा क्या कर रहा है? इधर आ. रॉकी, रॉकी, क्या हुआ? उस लड़की ने तेरी बात नहीं मानी? फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ चलता हूं और हम उसको मना लेंगे. रॉकी, शालिनी, लगता है रॉकी का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है, इसलिए वो परेशान है. इस वक्त उसे मेरी जरूरत है. मैं भी आया. हाँ, क्या कर
रहा है तू? I hate this girl. आपने दी थी ना गाड़ी मुझे, आपका दिया हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रॉकी क्या हो गया तुझे? बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे? झूठ, सब कुछ झूठ, सब एक दिखावा है। आपने जो कुछ भी दिया सिर्फ इसलिए दिया ताकि आप अपने आप को अच्छा और मुझे बुरा दिखा सकें। I'm bad. Yes, I'm bad. Bad. आपने माँ से वादा किया था ना कि मुझे हर खुशी देंगे। बहुत अच्छी तरह से निभाया आपने अपना वादा। आप जैसे भाई से तो अच्छा मेरा कोई भाई नहीं होता। मुझे दोबारा हाथ मत लगाना। क्यों, क्या करेगा तू? हाँ क्या करेगा तू? हाँ मारेगा मुझे? Don't touch me. मुझे मारेगा? हाथ मत लगाना। मुझे मारेगा? मेरे कह रहा हाथ मत लगाना। मुझे मारेगा तू? मेरे कह रहा हाथ मत लगाना। बात करो, उसे बात
अपनी बात सच साबित कर देना तुमने। शालिनी, तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती, तुमसे मेरी हो मेरी। तुम किसी और से प्यार कैसे कर सकती हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I'll kill that bastard. I'll kill that bastard. I mean it. I'll kill that bastard, Shalini. देखो, देखो अपने बात सही साबित कर दी तुमने। मार डाला अपने भाई को। तुम समझते हो तुम जीत गए हो? नहीं, नहीं, तुम हार गए हो, राजवीर, तुम हार गए हो। राजवीर, प्यार दूसरों की जान लेना नहीं होता, प्यार दूसरों को जीने देना होता है राजवीर। जिंदगी होता है प्यार, दूसरों को खुशी देना होता है प्यार। लेकिन तुम क्या समझोगे ये सारी बातें, और तुम क्या करोगे किसी से प्यार? तुम तो सिर्फ नफरत कर सकते हो, नफरत। पर आज के बाद लोग तुमसे नफरत करेंगे, कहेंगे देखो 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 वो भाई जिसने अपने भाई को जिद के लिए मार डाला। मेरे रणवीर को मार डाला तुमने, मेरे रणवीर को मार डाला तुमने, मेरे रणवीर को मार डाला। Do an emergency surgery. Page Dr. Srivastava immediately. Miss, इन्हें छोड़ दीजिए, आप यहीं रुकिए। Sister, stop this lady, please. Miss, आप अंदर नहीं जा सकते। Please, कुछ नहीं होगा उन्हें। आप आइए, बाहर आइए, please. मैं अपने भाई रणबीर सिंह को देखना चाहता हूँ। One sec. अरे अभी तो लाया गया उन्हें। 16th floor उनका ऑपरेशन चल रहा है। आप जैसे भाई से तो अच्छा, मेरा कोई भाई नहीं होता। क्या समझते हैं आप अपने आप को? भगवान, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। क्या आप मुझे इस पुल से कूदने से रोक सकते हैं? रॉकी डोंट जंप, रॉकी डोंट जंप, रॉकी, रॉकी डोंट जंप, रॉकी। हौसला रख बेटी, रणवीर ठीक हो जाएगा, हौसला रख बेटी। एक्सक्यूज मी, रॉकी कौन है? हाँ मैं हूँ रॉकी। देखिए पेशेंट होश में आ गया था, पर होश में आते ही रॉकी डोंट जंप, रॉकी डोंट जंप कहते कहते कोमा में चला गया। कोमा? रॉकी क्या हुआ, कैसे हुआ ये रॉकी, हैं? बता ना डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? कुछ कहा नहीं जा सकता, पोता ठीक हो जाएगा ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं भैया, भैया मुझे कुछ नहीं हुआ, भैया भैया मैं बिल्कुल ठीक हूं। भैया देखो ना मेरी तरफ, देखो ना मेरी तरफ, मुझे कुछ नहीं हुआ भैया। आई डिड जंप भैया, मुझे सुन सकते भैया? भैया हम रो क्यों रहे भैया? I'm sorry भैया, मुझे माफ कर दीजिए ना भैया। I'm sorry भैया, I love you। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की भैया, आपके सामने ऊंची आवाज में बात की,
आप पे हाथ उठाया, आपके सामने शराब पी भैया, मैंने आपको क्या क्या कहा भैया, मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि आप मेरे भाई हैं और मैंने भैया मुझे मारिए, बहुत मारिए, मैं सचमुच बहुत बुरा हूँ भैया, लेकिन आप ठीक हो जाइए ना भैया, प्लीज आप ठीक हो जाइए भैया, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अच्छा बनूंगा भैया, मैं आपके जैसा बनूंगा, सिगरेट शराब सब कुछ छोड़ दूंगा भैया, सब कुछ, लेकिन आप ठीक हो जाइए ना भैया, आई एम सॉरी भैया, मैं बहुत जिद्दी हूँ भैया, मैं बहुत जिद्दी हूँ, कभी भी किसी ने मुझे ना नहीं कहा, इसीलिए जब शालिनी ने मुझसे ना कहा तो मुझे गुस्सा आ गया भैया, मैं उससे प्यार नहीं करता भैया, वो तो सिर्फ मेरी जिद थी। हाँ रणवीर, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ रणवीर, सिर्फ तुमसे। शालिनी मेरी नहीं भैया, शालिनी सिर्फ आपकी है। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ रणवीर, सिर्फ तुम्हारी। I love you रणवीर, उठो रणवीर उठो। हाँ भैया शालिनी सच कह रही है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती है। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मुझसे शादी करना चाहती है? मुझसे बहुत प्यार करता है। क्यों प्यार करता है ना तू उससे? लेकिन जहां भी देखता हूँ बस वही नजर आती है, आंख बंद करता हूँ तब भी वही नजर आती है, क्या मुझे सचमुच प्यार हो गया भैया? माफी मांगूंगा तो वापस आ जाएगी? पूरी दुनिया जानेगी भैया, इसलिए रॉकी को तुम संभालना, उसे बहुत प्यार देना, उसे हर खुशी देना, तो के ना बेटे उसे हर खुशी। हाँ माँ, मैं उसे हर खुशी दूंगा। माँ मैं तुम्हारे पास सो जाऊं? रणवीर, रणवीर भैया, कम कम जल्दी आइए, ब्रिंग इट फास्ट, कम कम मूव, ध्यान रखना ध्यान, जी करेक्ट द मेंस, मूव अवे, मूव मूव मूव, आप लोग पीछे, डोंट टच द बेड, डॉक्टर रेडी? यस सर। ओके नाउ 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 सिस्टर, इंजेक्शन को रामेन, कीजिए भैया को कुछ नहीं हुआ, दीजिए भैया को कुछ नहीं हुआ, भैया सो रहे हैं अभी जाग जाएंगे, भैया भैया उठिए, चलिए भैया उठिए, आंखें खोलिए भैया, भैया भैया उठिए ना भैया, भैया चुप कीजिए, ऐसे रोते रहेंगे तो भैया को मेरी आवाज कैसे सुनाई देगी, समझते नहीं आप लोग, मदद कीजिए मेरी मदद, पापा भैया को बोलिए उठने को, भैया भैया देखिए सब रो रहे हैं, सब समस्या आपको कुछ हो गया है, आपको कुछ नहीं हो सकता ना भैया, आपको कुछ हुआ ही नहीं भैया, चलिए भैया आंखें खोलिए, भैया चलिए घर चलते ना भैया, भैया भैया मैंने कहा ना मैं आपके जैसा बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा भैया, तो फिर आप उठते क्यों नहीं, भैया मैंने कहा ना आप मेरी तरह जिद्दी क्यों बन रहे भैया,
क्यों दुख पहुंचाया सबको? मुझे मालूम है आप सुन सकते हैं, तो फिर आप उठे क्यों नहीं? भैया 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 उठिए, भैया उठिए, भगवान भैया को बोलो ना, भैया क्यों नहीं सुन रहे? भैया उठिए ना, भैया भैया, भगवान आपने मेरी माँ को मुझे छीन लिया, लेकिन मेरे भाई को नहीं छीन सकते। मेरा भाई सिर्फ मेरा है, मेरा है, सिर्फ मेरा है। भैया अब सिर्फ मेरे है ना? हाँ भैया, आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। भैया आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मैंने माँ के बिना जीना सीख लिया, मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूँ। मेरे कारण मैं आप कैसे बनूंगा? आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते भैया, क्यों नहीं सुनते? प्लीज मैं अपनी माँ को दोबारा नहीं खोना चाहता भैया, प्लीज आप वापस आ जाइए, नहीं खोना चाहता, आप प्लीज वापस आ जाइए भैया, भैया। I love you, Rocky. हेलो, सत श्री अकाल भैया। रॉकी कहाँ है तू? भैया अब तक सो रहे हो? आपको पता है सूरज कितना ऊपर आ गया? हाँ, पर तू है कहाँ? क्या हुआ? अपने गांव में, सानेवाल, अपने घर में। आप जैसे बताया करते थे ना भैया, सब कुछ वैसा ही है। इट्स ब्यूटीफुल भैया। क्या हुआ? इट्स ब्यूटीफुल रॉकी, पंजाब में है। भैया पंजाबी में ब्यूटीफुल को क्या कहते हैं? सोनी कहते हैं, सोनी। सोनी तो है कि दुनिया में दिल लगी नहीं होती, जिंदगी में कोई भी दिल नशी नहीं होती। सोनी तो है कि दुनिया में रानी सोनी रानी
क्या ये सच है? तुमको भी मुझसे प्यार हो गया, निगाहों ने जो कहा, निगाहों ने जो सुना, सच है क्या बोलो जरा? क्या ये सच है? तुमको भी मुझसे प्यार हो गया, निगाहों ने जो कहा, निगाहों ने जो सुना, सच है क्या बोलो जरा? हल्की हंसी है आखिर तुम्हारे अंदाज में, क्या बात है जो छुपी है।